सीरीज का प्रिंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग आज इसके बारे में। आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये L1800 सीरीज का प्रिंटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग आज इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों बटन जो है ब्लिंक कर रही है, तो इसको हम लोग कैसे रीसेट करेंगे अभी आपको मैं इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और वो लोग तुरंत जो है इसको लेकर के मैकेनिक के पास जाते हैं, जो कि 2-3 हज़ार रुपये का बिल बना देता है। तो चलिए हम लोग फटाफट देर ना करते हुए पहले इसको जो है किस तरीके से करना है, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसको जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाल देना है एप्सन, ये देखिए एब्सेंट एडजस्टमेंट प्रोग्राम डाउनलोडर, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर जो दिखा है यल सीरीज यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी पे हम लोग क्लिक कर देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप फाइल को हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर ये देखिए प्रिंटर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आ जाता है, तो इसको आपको जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। ये देखिए जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्टेड इंक पैड काउंटर, इस पे करने के बाद आपको यहाँ इजीली क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है, दोनों को चेक कर लेना है। ये देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसको फिर से टिक कर देना है, और यहाँ देखिए इन्फिनिटलाइजेस यहाँ पर है, इसको कर देना है और इसको ओके कर देना है। ये देखिए प्लीज टर्न ऑफ द प्रिंटर। अब आपको प्रिंटर को क्या करना है, एक बार ऑन करके ऑफ कर देना है। तो चलिए हम लोग प्रिंटर को पहले ऑन करके ऑफ करके देख लेते हम लोग हैं। प्रिंटर का ऑन था, इसको हम लोग ऑफ कर दे रहे हैं। फिर ऑफ करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का प्रिंटर रीसेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ओपन करके आपको दिखा दें। ये देखिए देख पा रहे हैं, नहीं तो ये प्रिंटर जो है आपका ये जाम था, ये इधर उधर रन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अगर आपके प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को भी इसको रीसेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम लोग जो है इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। अब तो प्रिंट होगा ही आपका, आप देख सकते हैं प्रिंटर यहाँ पर आपका सही हो चुका है। तो हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।